हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी को वेयर किया है। एक मिनट आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया है, इसलिए यहीं पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मेरा सब कुछ सामान रेडी हो गया है और मैं 10-15 मिनट से निकलूंगी। मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने और मैं जाऊंगी अपने भैया के यहाँ राखी बांधने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और प्लीज जो भी मेरे चैनल पे पहली बार हो, नए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज लाइक कमेंट जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और मुझे इंस्टा पे पर जरूर आप लोग फॉलो करिए। मेरी इंस्टा आईडी है pooja33। तो प्लीज इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए, वहां पे मेरी रेगुलर वीडियोस आती रहती है। तो प्लीज 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 आप लोग इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा। आओ ये देखो। ओ लालच तेरे पापा, ये दस नहीं चॉकलेट आप भूल जाओ ना, पन्निया दे दो, एक दूसरे रखे रहे एक से ला ले, वो है उन्हें हटाए दे और सब रखे रहे चॉकलेट। तो मैं अब हो गई हूँ फाइनली रेडी। हटोगी आप? बॉल 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 लास्ट बॉल, लास्ट फिनिश करो तो लॉलीपॉप देते हैं। आरू की मेडिसिन रख दीजिएगा। आरू की मेडिसिन एक बार पिलाने का टाइम हो गया है, एक बार पिला देते हैं, लेते जाते हैं ना। ओहो जान की उल्टी कर दी। कर दी उल्टी नहीं, मतलब टूट गई। हां देख ले क्या जो चॉकलेट। तो फ्रेंड्स, आज मुझे इतनी ढेर सारी चॉकलेट्स मिली है, तो मैं बच्चों से भी शेयर करूंगी थोड़ी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी। आप सभी भी खा लीजिए चॉकलेट। नहीं यार, वो पूरा खराब कर लेगी, कर लेगी। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और ये सब मैं अभी चॉकलेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड कैसे हम लोग को बाय कर दिए हैं, छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और मेरा भाई, जैसा कि मैं उसे लेके जा रहा है, और वो भी बड़े भैया के, हम लोग सब लोग एक जगह ही रहेंगे। और रास्ते में हम लोग निकल गए हैं, 9:30 हो रहे हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को जाने में भी 1.5 घंटे लग गया है। और हम लोग फाइनली जो होता है कि पहुंच गए हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे बांधने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मस्ती आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और ये सब मेरी फैमिली और बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं अपना। बहुत नान के लगी थे ना काहे यार कॉलेज। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आराध्या और मेरे भैया के बच्चे और प्रणव, ये सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और जो राखी की तैयारी होती है, थाली वाली सब कुछ रेडी हो गया है। और यहाँ वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। हेलो है आराध्या, बहुत दिन के बाद सबसे मिल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा वो शर्मा रही थी। और अभी देखिए सबको बैठा दिया गया है और सर के सर पे हैंकी रख देते हैं, और उसके बाद राखी बांधना स्टार्ट करते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका करते हैं, और उसके बाद फिर आरती उतारते हैं और फिर राखी बांधते हैं। फिर जो कि स्वीट खिलाएंगे, जो भाई लोग जो भी गिफ्ट देना होगा वो देंगे। तो देखिए यहाँ पे रसगुल्ला खिला रही है, मेरी भाई की लड़की है, तो वो हम लोगों के बच्चे को बांध रही है। जो बहन रहेंगी वो अपने भाई को बांधेंगी। तो मेरे यहाँ भैया की बेटी भी मेरे बेटे को बांध रही थी, मेरे भाई के बेटे को बांध रही थी अपने भाई को भी। और देखिए आराध्या
और ये मेरे भाभी, ये सब लोग अपना फ़ोटो खींच रहे थे, सबकी वीडियो कॉलिंग स्टार्ट थी, तो ये सब हो रहा था। और ये सबसे छोटू वाला जो भाई है वो था बेचारा, इतना शर्मा रहा था, लेकिन ये देखिए आराम से वो भी अच्छे से खा लिया। आज के दिन ना बहुत, मतलब इन लोगों का भाइयों का भी भाव रहता है और बहनों का भी रहता है, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे बेंगलोर जो है कि इतने सारे भाई हैं और मैं सबको बांधती हूँ, तो मुझे तो बहुत हैप्पीनेस होती है। और ये देखिए गिफ्ट भी मिल रहा है, और भाई लोग सोच रहे हैं मेरा गिफ्ट है और बहन सोच रही है मेरा गिफ्ट है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि किसका गिफ्ट है, फाइनली बहन का है। पर यह है कि मस्ती हो रही थी सब लोग, और प्रणव यहाँ पे बार बार उठ रहे थे, तो मैंने बोला कि उठो नहीं, अभी आपको भी बांधेंगी दीदी और आपको भी गिफ्ट देना पड़ेगा, तो आप बैठे रहो। और अभी मेरा नंबर आया नहीं है, अभी तो बच्चों की राखी बन रही है, और उसके बाद फिर देखिएगा मेरे भाई फाइनली आएंगे तो फिर मैं बांधूंगी, और मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। और एक जो मेरा छोटा भाई मुझे ले गया था ना, उसको थोड़ी सी फीवर आ गई थी, तो बेचारा आके लेट ही गया था, पड़ ही गया है, और हम लोग अपना बांध रहे थे, तब तक वो दवा खा के सो गया है, तो दवा जैसे उसका फीवर उतरेगा उसके बाद उसको बांधना स्टार्ट करेंगे, पहले इन लोगों का डन तो हो जाए। भाइयों के नखरे बहुत हैं और बहनों के भी बहुत ज़्यादा आज तो हैं। तो ये देखिए प्रणव अभी देखिए बोल सीट नहीं खाएगा, फिर लास्ट में खा लिया, उसको इतना नौटंकी कर रहा था बंधवाने में कि पूछिए मत। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग हैं, वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। और ये सबसे अच्छा लगता है जब भाई लोगों की आरती उतरती है, और उसके बाद देखिए इन लोगों का होने के बाद मैं स्टार्ट अपना फाइनली कर दी हूँ, अपना मैंने बांधना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी राखी बांधती हूँ, उसके बाद मेरी पांच बहनें हैं, चार बहनें हैं, तो मैं उन सबकी बांधती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना, ये मेरे बड़े भैया हैं तो उनको बांधूँगी, और उसके बाद छोटे वाले को बांधूँगी। तो मैं अपनी राखी सबको बांध देती हूँ, उसके बाद जो दीदी लोग भेजी रहती हैं या फिर एक्स्ट्रा मैं परचेस करके जो रखती हूँ वो मैं बांधती हूँ। तो आज काफ़ी सारी जो है बातें होंगी भाइयों से, और काफ़ी सारे मुझे गिफ्ट भी मिलेंगे, और मैंने राखी और स्वीट के सब मैं लेके आई हूँ, तो वो मैं बांधूंगी। तो ये छोटा वाला मेरा भाई है, और ये क्या करता है कि 1 ईयर तक राखी नहीं खोलता है, जब हम बांधते हैं उसके पहले ही उसने खोला है, दोनों भाई ने मेरे बांधने से पहले ही कट किया है, तो ये लोग 1 ईयर तक राखी रखते हैं, अच्छे वाले भाई भाई तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर हाँ ये है कि ये लोग राखी को रखते हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि भैया लोग 1 ईयर तक राखी नहीं खोलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ये मेरा राखी स्पेशल ब्लॉग है जो कि मैंने काफ़ी सारी तैयारियाँ की थी, प्रिपरेशन किए थे। फ्रेंड्स आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मेरा राखी स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। नेक्स्ट ब्लॉग में कल फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।